किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा हम जो मूल्य देना चाहते हैं और जो वास्तव में हम मूल्य चुकाते हैं उसका अंतर ही उपभोक्ता की माप कहलाती है। ड्यूपिट ने सबसे पहले उपभोक्ता की बचत की अवधारणा हमारे सामने प्रस्तुत किया। बाद में प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की परिभाषा वैज्ञानिक विश्लेषण किया। उसके बाद कई बोल्डिंग ने भी और पेंशन ने जेके मेहता ने इन लोगों ने भी उपभोक्ता की बचत को परिभाषित किया। तो उपभोक्ता की बचत सिद्धांत की कुछ मान्यताओं पर आधारित है ये सिद्धांत। और वो मान्यताएं क्या है? मान्यता पहली है कि पूर्ण प्रतियोगिता। अब इसके मान्यता के साथ साथ इसकी आलोचना भी, तो पूर्ण प्रतियोगिता व्यवहारिक जीवन में पाई नहीं जाती है। तो इस कारण से जब इसकी आलोचना लिखेंगे तो इसकी आलोचना का पहला बिंदु हमारा होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता अवास्तविक है। दूसरी मान्यता क्या है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। व्यवहारिक जगत में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी बदलती है। जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा हमारे पास कम हो जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ने लगती है। तो ये दूसरी जो मान्यता है वो भी गलत है, इसकी भी आलोचना की जा सकती है। तीसरी है कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। वास्तविक जगत में प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र नहीं होती है बल्कि एक दूसरे से संबंधित होती है। तो ये तीसरी जो मान्यता है ये भी अवास्तविक है। तो इस कारण से ये भी आलोचना का एक बिंदु है। चौथा है कि उपभोग की जाने वाली वस्तु का स्थानापन्न नहीं है। ये मान्यता है कि जो उपभोग की जा रही है वस्तु उसका कोई भी स्थानापन्न नहीं है। यदि स्थानापन्न है तो एक ही मांग तालिका में प्रदर्शित किया जाना चाहिए या मुख्य वस्तु में ही उसको शामिल किया जाना चाहिए। तो इसकी जब आलोचना करेंगे तो वास्तव में क्या होता है कि जो हम वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं उनके स्थानापन्न होते हैं और स्थानापन्न है और उनको एक ही मांग तालिका में जब प्रदर्शित करेंगे तो ये बड़ी जटिल पूर्वक होती है, साधारण इसको बनाना कठिन है। पांचवा है कि रुचि फैशन आय स्थिर रहनी चाहिए। ये भी मान्यता अवास्तविक है, ये होता नहीं है। दीर्घकाल में अल्पकाल में रुचि फैशन आय तो स्थिर हो सकता है किंतु दीर्घकाल में रुचियां फैशन आय बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत की जो मान्यताएं हैं वही आलोचना के बिंदु भी है। तो मान्यता जो इसकी है, इन जो अवास्तविक मान्यताएं हैं यही आलोचना के बिंदु भी है। किंतु इन आलोचनाओं के बाद भी उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत है वो व्यवहारिक जगत में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पहला इसका जो महत्व है उपभोग मूल्य और विनिमय मूल्य को अंतर को जो स्पष्ट करता है। उपभोग मूल्य यानी जो उपयोग करने से जो हमें उपयोगिता मिलती है और विनिमय मूल्य जो क्रय करने में हम त्याग करते हैं। तो उपभोग मूल्य और विनिमय मूल्य को अंतर जो होता है उसको स्पष्ट करने में उपयोग जो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत है ये बड़ा सहायता करता है। दूसरा क्या है कि जो विभिन्न आय वर्ग हैं इनकी आर्थिक दशा की तुलना में भी उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत बड़ा सहायक होता है। एक आय वर्ग जो उच्च आय वर्ग है उसकी उपभोक्ता की जो कंज्यूमर सरप्लस है उसका अधिक है। दूसरा है कि जिसकी आय कम है उसका जो जो उपभोक्ता की बचत कम है। तो इस प्रकार के जो विभिन्न आय वर्ग हैं उनकी आर्थिक दशा की तुलना भी उपभोक्ता की बचत सिद्धांत के द्वारा हम कर सकते हैं। सार्वजनिक वित्त में महत्वपूर्ण उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत जो होता है किसी देश के वित्त मंत्री के लिए बड़ा सहायक होता है। करारोपण और अनुदान में, सहायता अनुदान में इस उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का बड़ा महत्वपूर्ण है।
जिन वस्तुओं में उपभोक्ता की बचत अधिक होती है उस पे किस प्रकार से करारोपण किया जाए, तो ये सब इसमें उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत है वो सहायता करता है। एकाधिकारी को भी सहायता प्रदान करता है वस्तु की कीमत निर्धारण में। एकाधिकारी को उपभोक्ता की बचत सिद्धांत सहायता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का बड़ा महत्व है। जो वस्तुएं आयात की जाएंगी, जिन वस्तुओं का देश में मूल्य अधिक है और विदेशों में उसका मूल्य कम है, तो उन वस्तुओं को हम आयात करेंगे तो लाभदायक होंगे। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत सिद्धांत, जो अनेक आलोचनाओं के बाद भी उपभोक्ता का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है। और गणित की नई जो अवकलन समाकलन की विधियां आ गई हैं, इन विधियों ने उपभोक्ता की बचत की गणना को भी बड़ा आसान कर दिया है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत है वो बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत।